राज्य सरकार द्वारा 25 अगस्त से बसों के परिचालन की अनुमति दी गई है। इसको लेकर के कटिहार जिला परिवहन अधिकारी मोहम्मद अतहर ने सहायक थाना के बगल में अवस्थित बस परिचालन स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही फेरी सेवा में चलने वाले बसों का खुद से जांच कर यह देखा कि राज्य सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं बसों के परिचालन में उसका 100% पालन हो सकता है या नहीं। अपने निरीक्षण के क्रम में उन्होंने पाया कि बस पर जितने यात्रियों की सीट उपलब्ध है उतने ही यात्री सवार होंगे और सभी यात्रियों के चेहरे पर मास्क लगा हुआ रहना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने यात्रा करने वाले यात्रियों को सरकार की ओर से दी जाने वाली गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि इसका पालन करना सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है, अन्यथा बस चालक बस मालिक के साथ साथ यात्रा करने वाले यात्रियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। बस का परिचालन जो सरकार के निर्देश के अनुसार कल से ही प्रारंभ है, लेकिन बस परिचालन से पहले बस को पूरी तरह से सैनिटाइज करवाना है। प्रत्येक दिन सुबह शाम बस की धुलाई होनी है। जितने भी यात्री चढ़ेंगे सभी को हाथ से सैनिटाइजर मारना है और सभी को मुँह में मास्क लगाना एकदम अनिवार्य रूप से रखा गया है। एक सीट पर एक से अधिक यात्री कभी भी नहीं बैठाएंगे, नहीं बैठेंगे। ऐसे ओवरलोडिंग पाया जाएगा, बस पर कार्रवाई की जाएगी और उनको दंडित किया जाएगा। देखा स्थिति अच्छी थी, यात्री भी अभी कम दिखे, लोग अलग अलग सीट पर बैठे हुए थे, सभी लोग मास्क लगाए हुए थे। सैनिटाइजर का उपयोग भी बस मालिकों द्वारा किया जा रहा था और लोगों को समझाया भी गया है कि वो सैनिटाइजर का उपयोग करें, बस में यथ तथ न थूकें और जब प्रत्येक दिन बस की धुलाई करवाएँ बस मालिक।